ओम गण गणपते नमः। जय माँ गंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गंगा मैया की कहानी, उनका इतिहास, गंगा माता कैसे आई, गंगा जी कहाँ जाएंगी और गंगा जी को विष्णुपति और भागीरथी क्यों कहते हैं, गंगा जी और सरस्वती जी में क्यों विवाद हुआ और गंगा जी के जल रूप हो जाने की क्या कथा है, कैसे सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दी। आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो गंगा मैया की संपूर्ण कथा क्या है? नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही और गंगा भगवान की प्रेयसी भी है, कहो ये सब बातें कैसे घटित हुई। नारायण जी ने कहा, नारद प्राचीन समय की बात है, जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा को अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा जी भी आ गई। राधिका को आता देखकर कृष्ण भगवान उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों से बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली ये कल्याणी कौन है, इसके मन में मिलने की इच्छा है, आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है, इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी, गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया, अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूप ने गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रहा, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। उस समय सर्वत्र जी का नितांत अभाव हो गया। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गौलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण जी ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा कि आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी हुई है। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्धत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़े। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे के नखाग्र से मिलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा जी की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। कहीं कहीं पर गंगा जी को भगवान विष्णु की पत्नी भी कहा जाता है। उसी कथा को सुनिए। जब गंगा वैकुंठ को चली गई, तब ब्रह्मा जी भी वैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य स्वरूपणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सुरेश्वरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और सभी स्त्रियां भी उनकी कला हैं। केवल आप भगवान विष्णु ही प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म हैं।
परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वामांग से उत्पन्न हुई राधा भी दो रूपों में परिणत हुई। दाहिने अंश से तो वे स्वयं रही और बाएं अंश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वरण करनी चाहिए। महाभाग ब्रह्मा ने गंगा को भगवान श्री विष्णु के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। गंगा का विष्णुपदी नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से गंगा माता को विष्णुपदी के नाम से जाना जाता है। एक बार की कथा मिलती है कि गंगा और सरस्वती जी का विवाद हो गया था। तो क्या था यह विवाद, यही जानते हैं। श्री नारायण जी बोले कि विष्णु जी के सानिध्य में रहने वाली यही गंगा और सरस्वती अभिशप्त होकर भारत में नदी रूप में बहती हैं। इन नदियों का सेवन करने वाले इस जन्म में गुणी और विद्वान बनते हैं तथा मरणोपरांत वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाला गर्भवास के संकट से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण के इस कथन को सुनकर नारद जी अपनी उत्सुकता न रोक सके और पूछा, दोनों दिव्य देवियों गंगा और सरस्वती का विवाद किस कारण से हुआ, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, देवर्षि, विष्णु भगवान की तीन पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती हैं। एक बार विष्णु जी ने गंगा से प्रीतिवश विशेष अनुराग और लगाव दिखाया तो सरस्वती ने मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर लिया। सरस्वती ने तीनों पत्नियों के प्रति सम्मान अनुरक्ति न रखने के आयोचित सिद्धांत की उपेक्षा करने पर और गंगा जी के प्रति पक्षपात व आसक्ति दिखाने के लिए श्री विष्णु जी को खरी खोटी सुनाई। सरस्वती गंगा को भी आड़े हाथों लेकर दुर्वचन कहने लगी। विष्णु जी पत्नियों के इस तरह कलह को देखकर बाहर चले गए। अब तो सरस्वती जी का क्रोध और भी ज़्यादा हो गया। वह गंगा के केश पकड़कर उनसे क्रोध करने लगी। लक्ष्मी जी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया, उसे बीच में आने के कारण वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। इधर गंगा अपने कारण निरअपराधी लक्ष्मी जी को दंडित होते हुए देखकर अत्यधिक क्षुब्ध हो गई और उन्होंने सरस्वती जी को भूतल पर नदी होकर जाने का श्राप दिया। सरस्वती जी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी गंगा जी को मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बताकर पृथ्वी पर बहने का श्राप दिया। जब विष्णु जी अपने पार्षदों सहित लौटे तब उन्होंने अपनी पत्नियों के परस्पर कलह और श्राप का पूरा वृतांत सुना। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की शांत वृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उन्हें ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा। विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। वियोग की स्थिति से व्यथित होकर दोनों ही करुण स्वरों में श्रापों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथा होकर बहेगी और उसका स्थान शिव की जटाओं में होगा। अंश रूप में ही वह स्वर्ग में मेरा सानिध्य प्राप्त करेगी। सरस्वती प्रधान रूप पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास रहेगी। लक्ष्मी तुलसी का वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम का पत्नीत्व ग्रहण करेगी। स्वरूप से विवाह करके समग्र और स्थायी रूप में मेरा पत्नीत्व ग्रहण करेगी। दोनों देवियां शापानुसार नदी रूप में पृथ्वी पर आ गई। गंगा के नदी रूप में पृथ्वी पर आने की कथाओं के संबंध में तो आप सभी जानते हैं। पृथ्वी पर स्रोतों में जो जल दिखाई देता है उस सभी जल का स्वामी सरस्वान कहलाता है और सरस्वान की पत्नी होने से ही सरस्वती कहलाती हैं। सरस्वती नदी तीर्थ रूपा है, वह भी पापियों के पाप नाश के लिए जलती अग्नि के समान है। हे वत्स, यही गंगा और सरस्वती के श्राप से
भूलोक में नदी बनकर बहती हैं। राधा और कृष्ण के शरीरों से उत्पन्न उनके स्वरूपों को दर्शन कराने वाली गंगा अत्यंत पवित्र सर्वसिद्धिदाता और तीर्थरूपा नदी है। गंगा और राजा सगर की कथा को अब हम विस्तार से जानते हैं। गंगा जी की उत्पत्ति के विस्तृत प्रसंग में नारद जी ने पूछा है कि भगवान विष्णु स्वरूपा और विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी। पापों का नाश करने वाली यह पवित्र प्रसंग में सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा सगर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट हुए। उनकी दो पत्नियां थी, वेदमी और शव्या। शव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी वेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उन्हें भी गर्भ हुआ। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उनके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव जी ब्राह्मण के वेश में उनके पास पधारे और उस मांसपिंड को 7,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। तब वे 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वें यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा, जो कि इंद्र ने यह समझकर कि राजा सगर के अगर 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो गए तब वह इंद्रासन पर विराजमान हो जाएंगे, इंद्रासन को छीन लेंगे। उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। तात्पर्य ये था कि राजा सगर का कुल बहुत बड़ा होने से वह किसी ऋषि श्राप से ही नष्ट हो सकता था। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य तो किसी भी राजा में नहीं थी। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मुनि को प्रणाम किए बिना ही उस अश्व को पकड़ने के लिए दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोधित हो गए। उस क्रोध भरी दृष्टि निक्षेप से ही वह क्षण भर में वहीं पर भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वह भी काल के काल में चले गए। तदुपरांत असमंजस के पुत्र अंशुमान, राजा सगर के पौत्र, कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाए, जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए थे। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगे तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहे। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी सफल नहीं हो सके। राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भगीरथ, भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि में अटूट गुणवान पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब भगवान शंकर के साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन्हें भगवान से अभिष्ट वर भी मिला। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। भगवान ने गंगा से कहा कि हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञानुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा जी पृथ्वी पर आने को उद्यत हुई तो उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुई। फिर जटाओं में से उन्होंने एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह गया। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर लिया। तब फिर भगीरथ की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा जी को
अपने कान से निकाल दिया। तब गंगा भगीरथी से जाह्नवी कहलाई। फिर राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ को चले गए। भागीरथ अपने पूर्वजों को तार कर कृत कृत्य हो गए। चूंकि राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा जी को भागीरथी कहा जाता है। गंगा जी जल रूप में कैसे आई, अब ये जानते हैं। गंगा जी जल रूप में कैसे आई? नारद जी ने पूछा, भगवान, भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिप्रयाग गंगा कहाँ से प्रकट हुई है, अर्थात इनका जन्म और आविर्भाव कैसे हुआ? नारायण जी बोले कि एक समय की बात है, कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में थे। इतने में ब्रह्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर उल्लास को बढ़ाने वाली पछताने लगे, जिसके प्रत्येक शब्द में उल्लास बढ़ाने की शक्ति भरी थी। उसे सुनकर सभी गोप गोपियां और देवता मुग्ध होकर मूर्छित हो गए। जब किसी प्रकार से उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने देखा कि समस्त रासमंडल का पूरा स्थल जल से भरा हुआ है। श्री कृष्ण और राधा का कहीं पता ही नहीं है। फिर तो गोप गोपियां, देवता, ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। ठीक उसी समय बड़े मधुर शब्दों से आकाशवाणी हुई, मैं सर्वात्मा कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह धारण किया है। तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही जल स्वरूप होकर गंगा बने। गोलोक में प्रकट होने वाली गंगा के रूप में राधा कृष्ण प्रकट हुए। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई गंगा भक्ति व मुक्ति दोनों को देने वाली है। इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण विश्व के लोग पूजते हैं। तब नारद जी ने पूछा कि कलयुग के 5,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गंगा जी कहाँ जाएंगी? भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष में आई। श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ में जाएंगी। ये गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी श्री हरि की पत्नियां हैं। लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आई थी। इस प्रकार से तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। मेरे द्वारा कही गई ये सभी कथाएं अत्यधिक प्रचलित हैं। आशा है आपको पसंद आई होंगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण, जय माँ गंगे, जय श्री कृष्णा।